हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के तैयारी के श्रेणी में ही ये हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले भी हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जीएस का, जो कि अलग अलग शिफ्ट में होने वाले पेपर्स थे। ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, इस चौथा वीडियो में 29/12/2020 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो 3 से 4:30 बजे वाला शिफ्ट में, उसका जीएस पेपर का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ से आप ये सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, जो कि आपको करके रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो हम वहाँ पे सभी लोग मिलके शॉर्ट आउट करते हैं, तो आप हमारा CGPSC ABCD का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गीत गोविंद किसने लिखा था। देखिए, मैं फिर से आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करना ही है। ठीक है, जो बुक्स एंड ऑथर वाला जो सेक्शन होता है, जो पुराने बुक होते हैं वो भी, जो नए बुक्स होते हैं वो भी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये गीत गोविंद तो 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका था। ठीक है, तो गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सूरदास की भी कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें साहित्य लहरी हो गया, सूर सागर हो गया, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, साहित्य लहरी और सूर सागर, मैं बोलूंगा तो आप एक बार लिख, नोट बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर शब्द रहेगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये दो रचनाएं सूरदास की याद रखना आपको, साहित्य लहरी और सूर सागर। रसकान की भी कई सारी रचनाएं, जिसमें एक एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका नाम है प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका। मीराबाई की कुछ रचनाओं को अगर आपका नाम याद होगा तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक पूछा गया है यामा, यामा जो है किसकी रचना है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और एक और लिख लीजिए मृच्छकटिकम, ये दोनों जो है एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है ना, मृच्छकटिकम, ये दोनों रचनाओं को आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस का, क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आंखों के जो रोग होते हैं उसे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं 2-3 शिफ्ट में, इसको आप अच्छे से करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, यानी जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, से ग्रसित व्यक्ति को के दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, बायोफोकल लेंस, डाइवर्जन लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर अभिसारी लेंस। ठीक है, बताइए कौन से लेंस का आप प्रयोग करेंगे। इससे पहले इसी निकट दृष्टि दोष को ऑप्शंस बस बदल दिया गया था, वहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस ऐसा कुछ बोल दिया था, तो वो बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पे डाइवर्जन और अभिसारी ऐसा कुछ लिख दिया। अब आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस आप प्रयोग करेंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, इसको हम ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का, सॉरी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, डाइवर्जन लेंस, क्योंकि डाइवर्जन लेंस जो होता है वही अवतल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल लेंस ही कैसा, डाइवर्जन लेंस है। ठीक है यार, इसी को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये अभिसारी लेंस है ना, ये हम उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, या फिर इसी को हम डाइवर्जन की जगह ये वाला हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जब लेंस की बात कर रहा है ना, एक चीज याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा ना, तो जो अवतल दर्पण होता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, अवतल दर्पण, अवतल, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस को हम डाइवर्जन लेंस कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब अवतल दर्पण आ जाएगा ना, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग दर्पण, कन्वर्जन दर्पण, या फिर इसी को हम कह देते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, और लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होगा ना, दर्पण और लेंस में जो है उलट जाता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अपसारी, उत्तल दर्पण जो होगा हम उसको कहेंगे अपसारी दर्पण या फिर डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जन मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कह लीजिए या डाइवर्जिंग दर्पण कह लीजिए, तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये जो अभिसारी लेंस हम ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छे से करके जाएगा, यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि हुमायूं नामक खालिस्तान के द्वारा
लिखी गई एक पुस्तक है, बताइए, बाबर, गुलबदन बेगम, नूरजहां या फिर अकबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। एक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। पीछे मैंने दो तीन प्रश्न पूछा है तो उसको भी आप करके लिखिएगा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। और एक आपको याद रखना है, व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है, पाणिनि के द्वारा। और ये संस्कृत का जो व्याकरण है उससे संबंधित ही है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि पाइथन एक खाली स्थान है। पाइथन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, मैलवेयर है या फिर वेब ब्राउजर है, क्या है? तो पाइथन एक तरह का प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट सही है। इसमें कुछ और भी देख सकते हैं, हमारा पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग भाषा तो हो ही गया, आपने सुना भी होगा जावा, ठीक है, सी प्लस प्लस, कोबोल, ठीक है, कोबोल, रूबी, ये सभी के सभी क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे विंडोज होता है, ठीक है, एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसके कई सारे वर्जन भी आते हैं। तो विंडोज क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, LINUX, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, फिर मैक ओएस या फिर एंड्रॉयड, ये सभी के सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो आप इन सब का भी नाम याद रखिएगा। वेब ब्राउजर से भी कई बार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गूगल क्रोम आप सुने होंगे, गूगल क्रोम ये क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है। आपने सुना होगा ओपेरा, ठीक है, ओपेरा ये भी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है। एक और सुन लीजिएगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है, डक डक गो ये भी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गूगल क्या है, कमेंट करके बताइए कि गूगल क्या है। गूगल क्रोम तो एक क्या है? वेब ब्राउजर हो क्या, तो गूगल क्या है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। पांचवा प्रश्न है कि जातक कथाएं खाली स्थान से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है जातक कथाएं? सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो ये आसान प्रश्न है, आसानी से आप जान सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन मिलता है जातक। महात्मा बुद्ध की जन्म से लेकर मृत्यु तक की कई सारी इसमें घटनाओं को, उनकी जो कहानियां हैं उससे संबंधित इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे विनय पिटक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विनय पिटक, विनय में लिख रहा हूँ, आप पिटक लिख लेना। विनय पिटक हो गया, सूत्र पिटक हो गया, और एक होता है अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक। तो ये तीनों पिटक किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। जैन धर्म में जाएंगे तो त्रिरत्न हो जाता है, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। कौन कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न है? एक होता है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, इसके बाद सम्यक, ये पहला हो गया सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा हो जाता है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये तीनों के तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर करके याद रखिएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में आता है और त्रिरत्न जो है जैन धर्म के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर छठवां की ओर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क खाली स्थान राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर गुजरात में? कहां जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। ये पहले भी एग्जाम में रिपीट कर चुका है, पूछा जा चुका है किसी दूसरे शिफ्ट में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड के अंदर है, याद रखिएगा। और ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना, ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। जिसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, हेली नाम से, ठीक है, किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से इसका स्थापना हुआ था 1935 में, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कर्नाटक के अंदर जाएंगे तो एक एग्जाम में जो पूछा जाता है बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। राजस्थान में जाएंगे तो घाना पक्षी अभयारण्य, मैं शॉर्ट में बस लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के अंदर आएगा। रणथंभौर जो अभ्यारण है, ये भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये अभ्यारण है ना, ये जो है अभ्यारण है, अभ्यारण। और एक कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़,
ये भी क्या है, अभ्यारण्य ही है, ठीक है। तो ये तीनों नामों को भी आपको याद रखना है जो कि राजस्थान के अंदर है। उत्तराखंड का हमने देख लिया। गुजरात के अंदर जाएंगे तो गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और एक नल सरोवर मिलता है। ये दोनों को आपको याद रखना है गुजरात के अंदर, नल सरोवर नेशनल पार्क। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है कि बताइए कि कांजीरंगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये दोनों जो है किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉमन एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभार, ठीक है। बताइए कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसका संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। कुछ कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था कब, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कब, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट सदस्य, परमानेंट अध्यक्ष जो है बना लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। याद रखिएगा के एम मुंशी जो है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे भारतीय संविधान का जो मसौदा समिति था, ठीक है, प्रारूप समिति जिसको हम कहते हैं, मसौदा समिति जो है, इसके एक सदस्य, कई सारे ऐसे भी समितियां थी, 15-16 ऐसी समितियां जिनके सदस्य डॉक्टर के एम मुंशी रह चुके थे, तो मसौदा समिति के भी एक सदस्य थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बताइएगा कि आप सभी को पता होगा कि जब 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ, ठीक है, तो वहां पे उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि भारतीय, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बताइए कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग, ठीक है। कौन सा, अटल सुरंग। ये अटल सुरंग आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग पास है, जो रोहतांग दर्रा है, उसी दर्रे में आपको ये अटल सुरंग देखने को मिलेगा जो कि लेह से मनाली को जोड़ता है, ठीक है, लेह से मनाली को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो जवाहर सुरंग आप देख रहे हैं ना, ये जवाहर सुरंग आपको बनिहाल दर्रे में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ, तो जवाहर सुरंग आपको बनिहाल दर्रे को देखने को मिलेगा, और ये जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। एक अभी करेंट अफेयर का बात है जो कि 2024 का ही है, आपने सुना होगा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ये भारत में ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना है, ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चिनाब रेलवे ब्रिज, रेलवे आर्क ब्रिज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए याद रखिएगा। ये कहाँ बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिला, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो रामबन जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी में संगलदान और रियासी के बीच में इसको बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है, और जो नदी का जो तल है उससे ऊँचाई अगर देखा जाए तो 359 मीटर है। ये वाले को आप जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नवा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरेगी, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी, ठीक है। आप कई सारी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, ये तीनों की तीनों नदियां जो है अरब सागर में नहीं बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अरब सागर के लिए तो एक तापी नदी तो हो ही गया, कुछ और भी नदियों का नाम याद रखिएगा, नर्मदा नदी, ठीक है, ये नर्मदा नदी भी कहाँ जाके गिरेगी, तो अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। एक माही नदी का आपने सुना होगा नाम, माही नदी भी कहाँ, अरब सागर में ही जाके गिरती है। सिंधु नदी,
सिंधु नदी भी अरब सागर में जाके मिलती है, और एक सरावती नदी, सॉरी साबरमती नदी, साबरमती नदी, ये कुछ नदियां हैं जो कि आपको अरब सागर में जाके मिलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पे तीन नदियां मैंने लिखा है, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, ठीक है, अंतर्वाही नदी का मतलब जो कि कहीं किसी समुद्र में, ना तो अरब सागर में जाके मिलती है, ना ही बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, तो वो अंतर्वाही नदी कौन सी है, एकमात्र बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दसवां प्रश्न है कि बेरीबेरी एक रोग है जो खाली स्थान के कारण होता है, किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, या फिर विटामिन ए की कमी के कारण, किसके कमी के कारण बेरीबेरी नामक रोग जो है होता है, बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 के कमी के कारण बेरीबेरी रोग देखने को मिलता है। विटामिन B1 जो है, इसका जो रासायनिक नेम है, उसका जो केमिकल नेम है, इसको हम थायमिन कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन, और इसके कमी के कारण बेरीबेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन जो डी है, ठीक है, विटामिन डी ऑप्शन नंबर जो ए है, इससे इसको हम ना कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, ठीक है, याद रखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, लेकिन वृद्धों में देखा जाए ना, वृद्धों या फिर वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये दोनों नाम को आपको जरूर याद रखना है, क्या, ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो विटामिन सी है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, हम सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, और इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है, यहाँ चारों से प्रश्न जो है कहीं ना कहीं से एक बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न आप सभी के लिए कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलोर में जो है वो क्या है, बताइए। फिल्म निर्माण की कंपनी है, मोबाइल हैंडसेट निर्माता, इसरो की मार्केटिंग शाखा, या फिर विद्युत वितरण कंपनी, क्या है? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एंट्रिक्स है, ठीक है, ये जो एंट्रिक्स है, इसका स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है, याद रखिएगा। एक्चुअली में क्या है, ये जो एंट्रिक्स है, भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग के द्वारा हो, जिसका नियंत्रण किसके द्वारा, अंतरिक्ष विभाग के द्वारा होता है, DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये इसका नियंत्रण करता है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बताइए कि इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, इसके बाद DRDO का स्थापना कब हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब पूछ चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए आपसे मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इसका आंसर याद होगा, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सब एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, UN से तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, इसके बाद E से हो जाएगा एजुकेशनल, एस से हो जाएगा साइंटिफिक, एजुकेशनल साइंटिफिक, एंड सी से हो जाएगा कल्चरल, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखिए, कई बार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, यूनेस्को का स्थापना 1946 में, कब, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ, पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है यूनिसेफ के बारे में, तो मैं यूनिसेफ को मैं फिर से एक बार बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक है, चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का फाउंडेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले यूनेस्को का हुआ था स्थापना, इसके बाद दिसंबर में यूनिसेफ का हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, इन सबको आपको नोट करके याद रखना। क्वेश्चन है, बताइए कि जो WTO है, ठीक है, WTO इसका
स्थापना कब हुआ था, ठीक है, WTO की स्थापना कब हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन हुआ था। देखिए उस समय जो ये सब घटनाएं होती हैं, एक्चुअली उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है, इसलिए वो सब करंट सेक्शन में आता है, तो उस समय क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में अगर एग्जाम होता है तो 2024 में, तो अगर एग्जाम हुआ तो 2024 का करंट पूछा जाएगा, 2023 का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमको उस तरीके से अपडेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हमेशा किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिलता है, और मैं अभी तक आई थिंक 3-4 वीडियो बनाए हूँ, सभी वीडियो में UNEP पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न जो है पूछे ही गए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका स्थापना आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ कि 5 जून 1972 को हुआ था, उसी के बाद एक साल बाद से पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाना शुरू हुआ था 1973 से। UNEP जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी पूछा जाता है, तो नैरोबी में। विश्व पर्यावरण प्रोग्राम जो है कार्यक्रम, इसका केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। 2020 में इसको कहाँ आयोजन किया गया था, तो कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन बात आता है कि 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो 2024 में इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम UK में हुआ, ठीक है, और इसका थीम भी याद रखिएगा। तो ये 2024 का जो थीम है मरुस्थलीकरण से संबंधित है, ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए, ऐसा कुछ अगर ऑप्शन में दिखेगा आपको तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ये भी एक अच्छा प्रश्न, देखिए अभी तक आपने गौर किया होगा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, उसके कौन कौन से कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं एक वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बताइए कि सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, म्यांमार, मॉरिशस, यहाँ पे नहीं है पूछा है कि एक्चुअली मैं मुझे लगता है क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार हो गया, मॉरिशस हो गया, चीन हो गया, ये तीनों को अगर देखेंगे तो ये तीनों जो है सदस्य नहीं है, तो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो अफगानिस्तान है ये सार्क का सदस्य देश है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका याद रखना है क्या, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। अब सार्क का फाउंडेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, वो हाँ आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ये सार्क में टोटल ना 8 मेंबर कंट्रीज हैं, कितने हैं, 8 है, पहले 7 ही थे, फिर बाद में 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन किया, अफगानिस्तान जो है कि अंतिम देश है जो कि सार्क में शामिल हुआ है। 8 देश कौन कौन से हैं, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पहला हो गया इंडिया हमारा प्यारा भारत, भारत हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, दो हो गया भारत बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, मालदीव, 3 हो गया भूटान, नेपाल, कितने हो गए, 3, 2, 5 हो गया, एक अफगानिस्तान, 6 हो गया, इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका 7 और एक आखिरी लिख लीजिएगा पाकिस्तान। ये 8 देश जो हैं इस सार्क देश का मेंबर है, ठीक है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे लास्ट है, जो कि 2007 में ज्वाइन किया था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि इंटेल i9 एक प्रकार का क्या है, इंटेल i9 एक प्रकार क्या है, तो ये i9 जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोसेसर होता क्या है, प्रोसेसर एक्चुअली में लॉजिक सर्किट होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जितने भी बुनियादी निर्देश जो दिया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसका जवाब देता है और उन्हें प्रोसेस करने का काम करता है, वो कौन करता है, प्रोसेसर करता है, ठीक है। प्रोसेसर के बहुत सारे एग्जाम हो गए, एग्जाम्पल हो गया इंटेल में बहुत सारे इसके वर्जन आते हैं, तो इंटेल के अंदर ही i9 गए, ठीक है, इंटेल कोर i9 होता है, कोर i7 होता है, कोर i5 होता है, कोर i3 होता है, इंटेल का भी एक पेंटियम आता है, इंटेल पेंटियम 111, ये सब क्या है,
प्रोसेसर के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। एंटीवायरस, तो आप जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो मोबाइल्स होते हैं, उनको वायरस के अटैक से बचाने का काम करता है एंटीवायरस। एक एंटीवायरस के भी एग्जांपल कई सारे आपको याद आते हैं, होता है मैक एफ ए हो गया, नॉर्टन हो गया, ठीक है, मैक एफ ए हो गया, नॉर्टन, एवीजी, कास्परस्काई, ठीक है, कास्परस्काई हो गया, बिट डिफेंडर, ये सभी के सभी क्या है, तो ये एंटीवायरस है, ठीक है। पांडा भी क्या एक तरह का एंटीवायरस का एग्जांपल है। तो आपसे ये सब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है, यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अभी मैंने पहले बता दिया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, ठीक है। अब बताइए कि कौन सा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर भवन जो नई दिल्ली में है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जंतर मंतर जो है नई दिल्ली में, इसका स्थापना कौन कराया था, तो राजा सवाई जय सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, राजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा के अंदर है, इसको 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत। रानी की वाव पाटन गुजरात में है, ठीक है, पाटन गुजरात में, जिसको 2014 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर में। अजंता एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा भी और एलोरा की गुफा दोनों औरंगाबाद के अंदर है, और 1983 में इनको शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर में। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि वर्तमान में हम सबको पता है कि भारत में कुल 43 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो आपको सब बताना है कि सबसे नवीनतम वह स्थल कौन सा है भारत का जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, और उसका नाम बताना है, ठीक है, कहाँ है और उसका नाम बताना है, कहाँ भी है ये भी बताइए और उसका नाम भी आप सभी को कॉमेंट करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न की ASCII ASCII अंग्रेजी वर्णमाला को संख्याओं के रूप में निरूपित करने की एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है उसका ASCII का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रश्न इसके कुछ, क्योंकि अब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो दो पूछ लेता हूँ, एक कोबोल, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, एक जो होता है CDMA, कोबोल और CDMA, इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कॉमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मात्र एक बार ही महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो बेलगाम में किया था, ठीक है, बेलगाम जो कि कर्नाटक में मिलेगा, उसकी अध्यक्षता किया था, कब, 1924 में उन्होंने अध्यक्षता की थी, आप सभी को याद रखना, ठीक है। चलिए ये 40वें नंबर का, किस नंबर का, तो जो 40वां अधिवेशन हुआ था उसका इन्होंने किया था 1924 के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक भी पूछ देता हूँ कि कांग्रेस का प्रथम, एक क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि पूछा जाता है, कि बताइए कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, किस वर्ष के अधिवेशन में वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको कॉमेंट करके बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन मैं ज़्यादा पूछ लेता हूँ, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कमेंट करिए भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सब इसका आंसर आना ही चाहिए, ठीक है, कमेंट करना चाहिए। अगर कमेंट नहीं भी करते तो एटलीस्ट जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको एट ए टाइम याद कर लीजिए, नोट्स बना के जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम का सबसे पहले खालिस्तान के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, किसने शुरू किया था भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की, बताइए, वेवेल प्लान 1945, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, रॉलेट एक्ट 1919 या फिर क्रिप्स मिशन 1942। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 का आया था, इसी के अंतर्गत जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनको एक अलग से, ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव की प्रणाली दिया गया था, उनको अलग से एक मौका दिया गया था कि वो अपने लिए खुद का एक नेता खुद से चुन सके, एक अलग ही अपने समुदाय के लिए, ठीक है, तो ये 1909 के माध्यम से ही हुआ था। वेवेल योजना 1945 में आया था, आप सभी को पता होना चाहिए, इसका अनुसार क्या था कि हिंदू और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व कराने वाली वायसराय की कार्यकारी परिषद को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था 1945 का वेवेल प्लान के अंतर्गत।
क्रिप्स मिशन जो है आप सभी को पता होना चाहिए 1942 में आया था। हाँ, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, मतलब किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 का है, ठीक है, इसको काला कानून की संज्ञा भी महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। इसी के तहत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी से रिलेटेड है, 1919 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्न मानव रोगों में से कौन सा जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो रोग से संबंधित भी प्रश्न जो है अच्छा खासा पूछा जाता है। बताइए कि जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो या फिर टाइफाइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, ये भी पूछ देता है कई बार से, तो टाइफाइड से आंत जो है हमारा इंटेस्टाइन होता है वो प्रभावित होता है। इसका जीवाणु का नाम याद रखिएगा साल्मोनेला, इसका जो जीवाणु है जिसके कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला बैक्टीरिया या साल्मोनेला जीवाणु, इसी के कारण टाइफाइड रोग जो है होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस ए पीलिया, ये इससे यकृत हमारा प्रभावित होता है, हमारा जो लीवर है वो प्रभावित होता है और ये वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है। पोलियो तो है, ये पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है, ठीक है, पोलियो जो है पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है, और ये जो है हमारा शरीर का गला, रीढ़ या फिर जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो प्रभावित होता है। खसरा, खसरा भी वायरस के कारण ही होता है, इसका जो विषाणु का नाम है इसको मोरबिली वायरस कहते हैं। खसरा का जो वायरस है, जो विषाणु है, उसका नाम क्या है, मोरबिली, ठीक है, मोरबिली वायरस, ठीक है, मोरबिली वायरस के कारण होता है, और ये जो खसरा है इससे हमारा पूरा संपूर्ण शरीर जो है वो इससे प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21वां प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ये देखिए, अब हमारे यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक आ गया कि नींबू का जो रस है, लेमन जूस होता है, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है, ठीक है। देखिए, जो नींबू का रस है उसका देखा जाए तो लगभग पीएच मान जो है 2.2 होता है, ठीक है, 2.2 भी अगर देखने को मिल जाए तो आप टिक कर दीजिएगा 2 के आसपास, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए पीएच स्केल क्या है, तो हमारा किसी भी जो पदार्थ है उसका अम्लीयता और क्षारकता मापने का एक सिस्टम है, जिसमें अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। 7 से अगर कम हो जा रहा है तो 7 से कम होने पे जो पदार्थ है उसकी माध्यम कैसा है, वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। 7 से अगर अधिक हो रहा है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल से मेजर किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है तो रक्त, जो हमारा ब्लड होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। दूध, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, उससे एक कम, 6.4 हो जाता है, ठीक है। जो नींबू का दूध, जो नींबू का रस है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है आप सभी को पता है क्या, नींबू में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। नींबू में किस कौन सा रस होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बाद बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों में कमेंट करके बताइए कौन कौन से अम्ल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। वेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस, आकाश, त्रिशूल या फिर पृथ्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसको भारत और रूस, ठीक है, भारत और रसिया इन दोनों देशों ने मिलकर बनाया। इसके नाम में एक्चुअली में क्या है, दो चीज शामिल है, एक भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म शामिल है, और रूस का एक नदी है मोस्कवा, ठीक है, मोस्कवा रूस का एक नदी है, इन दोनों को मिला के ही इसका नाम जो है ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको भारत का डीआरडीओ और रूस का एनपीओ मशीनो एस्टोनिया नामक दो कंपनियों के द्वारा मिलकर ब्रह्मोस को निर्मित किया गया। इसका पहली बार सफल प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 2001 में किया गया था, ठीक है। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 2001 में हुआ था, कहाँ से, तो उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर से सबसे पहला इसका सफल परीक्षण जो है किया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23वां प्रश्न है कि 8 नवंबर 2016 कोई नहीं भूल सकता, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी आप सभी को पता होना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन
तो इस समय उस समय जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के वो उर्जित पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कौन? उर्जित पटेल उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। इसका शुरुआत में हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता था, लेकिन वापस 1937 में उसका हेडक्वार्टर कहाँ ले आया गया, मुंबई के अंदर इसको ले आया गया था। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा अगर पढ़े होंगे तो, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आप लोग नाम जो है सब लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत आसान प्रश्न और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जब लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक होता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 108, भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 जो है वो क्या करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित हैं तो वो अध्यक्ष होंगे, अगर वो अनुपस्थित हैं तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा इस संयुक्त बैठक का वो अध्यक्षता करेगा, अगर वो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक का। इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक है, और कुछ और भी फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे जो संसद है, ठीक है, ये जो संसद है इसका एक आर्टिकल नंबर 79 याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 79 79 संसद का कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर हमारे भारत देश का संसद बनता है। संसद के लिए 79। इसके बाद आता है राज्यसभा, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 हो जाएगा। उसके बाद आता है लोकसभा, लोकसभा के लिए आर्टिकल 81। तो ये 79, 80, 81 सरला के नाम से आप याद रखिएगा, स से संसद हो गया, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा, इन तीनों का ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्यसभा होता है, ठीक है, जो राज्यसभा होता है उसके सभापति कौन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है और वर्तमान में राज्य का सभापति कौन है, कमेंट करके बताइए। इसके लिए आर्टिकल 64 दिया गया। ठीक है, राज्य का सभापति कौन होगा उसके लिए आर्टिकल नंबर 64 संविधान का अनुच्छेद 64 दिया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, उस समय का करंट अफेयर है। उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अभी का आप जान लीजिए कि अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है, याद रखिएगा। एक चीज ये भी पूछ ले जाए, रेलवे मिनिस्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेल मंत्री कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन है भाई, तो ये हमारे अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी है। अश्विनी वैष्णव जो है भारत के सूचना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीएसटी भारत में अध्यारोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, पहली बात इसी को याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जीएसटी के लिए जो इसका एक्ट आया था 2016 का एक्ट था, और 2016 में ही संविधान में संशोधन हुआ, और जीएसटी को संशोधन करने के बाद 101वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 से। और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां की ओर। 27वां प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद खाली स्थान दो राज्यों के बीच में है। ठीक है, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होना चाहिए कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसके ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किसके ऊपर है, तो कावेरी नदी के ऊपर है, और इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। एक्चुअली कई बार से ये भी कंफ्यूजन होता है, जैसे जो गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी जिसका उद्गम नासिक से होता है, नासिक के पास है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वहीं से होता है। इस गोदावरी नदी को ना
वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा, या इसी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा। तो ये दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा, इसको दक्षिण भारत की गंगा और इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप जो हम महाद्वीप है ना उन महाद्वीपों के बारे में पढ़ लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि वहां से प्रश्न जो है बन जाता है। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। और देखिए अगर क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ होता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी की खेती कहाँ होती है, तो ब्राजील के अंदर ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्राजील में जो कहवा होता है, कॉफी की जो खेती होती है जिसको कहवा भी कहते हैं, जो कहवा के बगान होते हैं उसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, फेजेंडा, ये कहवा की जो बगाने होती है ब्राजील के अंदर उसको हम फेजेंडा के नाम से भी वहां जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता था। 2020 का पूछा गया उस समय जो है मुंबई इंडियंस जीता था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन आप सभी को 2024 वाला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। 2024 का जो फाइनल हुआ IPL का, इंडियन प्रीमियर लीग का, वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो KKR कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद SRH इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था, तो जीतने वाला टीम जो था KKR था, कोलकाता नाइट राइडर्स था, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कई बार से क्या कि 2024 में पर्पल कैप किसको मिला, तो पर्पल कैप मिला इस बार हर्षल पटेल को, ठीक है, हर्षल पटेल को पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसको मिला भाई, तो ऑरेंज कैप हमारे विराट कोहली जी को मिला है, ठीक है, विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिला है। एक चीज और याद रखिएगा IPL से, जो कि अच्छा प्रश्न है, कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसको मिला अवार्ड, गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला हमारे KKR के जो सुनील नारायण है, ठीक है, सुनील नारायण इनको जो है मिला, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये IPL से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान देश का निवासी था, तो इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था, याद रखिएगा। और एक चीज भी याद रखिएगा, जो इब्न बतूता है इसका जो यात्रा वृतांत है ना, यात्रा वृतांत मतलब यात्रा की जो कहानी है, उसको कौन से बुक में लिखा गया है, या खुद का कौन सा बुक लिखा, जिसका नाम है रेहला, तो रेहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की, यात्रा वृतांत पर आधारित है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक था, वो इब्न बतूता को ना दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या फिर कह लीजिए कि न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और चीनी यात्री में तो कई सारे चीनी यात्री हमारे देश में आए थे, एक था फाइयान, ये सब नाम याद रखिएगा इनके बारे में, कि किसके समय आए थे वो भी याद रखिएगा, फाइयान हो गया, वेनसांग हो गया, ठीक है, फाइयान, वेनसांग, फिर संयुगन इत्सिंग, ये सभी के सभी चीनी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा कभी ना कभी किए थे। कुछ यूनानी लेखकों के बारे में जानेंगे, तो हेरोडोट्स का नाम याद रखिएगा जरूर, ठीक है, हेरोडोट्स को हम इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, ठीक है, याद रखिएगा। इटली का निकोला कॉन्टी याद रखिएगा, निकोला कॉन्टी, कमेंट करके बताइएगा कि जो निकोला कॉन्टी इटली का है वो किसके समय आया था, किस शासक के समय आया था, कौन से साम्राज्य के समय आया था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है। इसका आंसर याद रखिएगा, वर्तमान में भी 25 ही है, 2020 में भी 25 ही थे, ठीक है, वर्तमान में भी 25 है, 2020 में भी 25 ही थे, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 214 है, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 214 है वो, ठीक है, तो आर्टिकल जो 214 है वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है वो भी याद रखिएगा, 124, ठीक है, 124 जो आर्टिकल नंबर है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा इसके लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीन का नाम याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके खुद का
एक सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी खुद का एक क्या है, हाई कोर्ट है, खुद का एक उच्च न्यायालय है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश 5 रह गए वो किसी और राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट था वो अमरावती का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये आपको कटक उड़ीसा में देखने को मिलेगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इसी तरह केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? तो ये आपको नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो लखनऊ के अंदर है। लेकिन अगर चीनी पूछ देगा ना आपका, अगर आपसे कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कानपुर में हो जाएगा, ठीक। गन्ना वाला कहाँ है? लखनऊ में। चीनी का कहाँ? कानपुर में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कि केंद्रीय तंबाकू, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है कई बार से पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर का प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो मार्केंसिया है वो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा एक प्रकार का होता है मार्केंसिया, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या है एक्चुअली में? ये पौधों का एक समूह है जो स्थल के ऊपर, या फिर कह लीजिए सबसे सरल स्थलीय पौधों का एक समूह है। और ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ कि ब्रायोफाइटा के अंदर संवहन ऊतकों का अभाव होता है, नहीं होते। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम, आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है नहीं पाए जाते क्योंकि इनमें संवहन ऊतक नहीं होते, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और एक्चुअली में ये जो ब्रायोफाइटा जो वनस्पति की जो जगत का जो प्रजाति है, इसको वनस्पति का एम्फीबिया वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और एग्जांपल याद रखिएगा ब्रायोफाइटा का, स्फेग्नम, ठीक है, स्फेग्नम, ये भी क्या है, एक तरह का ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि खालिस्तान के लिए है, ठीक है। ये समग्र शिक्षा योजना जो है ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए इस योजना को चलाया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और 2018 में इसको जो है लॉन्च किया गया था, केंद्र सरकार की एक योजना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में आया था, किस वर्ष आया था कैबिनेट मिशन योजना? बताइए 1941, 1943, 1946 या फिर 1940, कब? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। देखिए एक्चुअली में क्यों आया था, तो हमारा जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान सभा इसकी स्थापना के लिए, या फिर उस समय जो भी तात्कालिक समस्याएं थी उनको निपटने के लिए ही कैबिनेट मिशन को गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली के द्वारा ही एक कैबिनेट मिशन योजना बनाया गया था और उनको भारत भेजा गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन थे ये 24 मार्च 1946 को, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और जो कैबिनेट मिशन था इसका नेतृत्व किसको दिया गया था भाई, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व करने वाले जो थे पैथिक लॉरेंस जो है इसका नेतृत्व किए थे। इनके साथ दो और भी सदस्य थे जिसमें से स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर भी थे, याद रखिएगा। और बाद में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, उन दोनों ने भी इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले स्वीकार किया था, कब? 6 जून 1946 को एक्सेप्ट कर लिया था। और कांग्रेस जो है 25 जून को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, 25 जून 1946 को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फरवरी 2017 में इसरो ने खालिस्तान लॉन्च करके एक इतिहास रच दिया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2017 में जो इसरो है वो एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। डेट भी याद रखिएगा, कब? तो 15 फरवरी 2017 को एक साथ ही लॉन्च किया था। कहाँ से? तो सतीश धवन जो सेंटर है, स्पेस सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो PSLV C-37 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37वां प्रश्न है कि 2020
में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 2020 की बात कर रहा हूँ, तो 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में आपको याद रखना कि 2024 में गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे जो हैं, क्या नाम है उनका, इमैनुअल मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों, ये जो थे 2024 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है भारत में, ठीक है, कोरबा, पन्ना, रानीगंज या जादूगोड़ा? ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है, ठीक है, झारखंड का जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के खनन के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। झारखंड में और भी कई ऐसे जगह है जहाँ पे यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जैसे रांची के आसपास आपको देखने को मिलेगा, हजारीबाग, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम, ये सभी के सभी झारखंड के अंदर है जहाँ से पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम जो है मिलते हैं। सोना के लिए जाएंगे तो कर्नाटक का एक जगह है कोलार, KGF मूवी तो आपने देखा है, ठीक है, ये कर्नाटक के अंदर है। KGF का फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं, कोलार गोल्ड फील्ड, इसीलिए KGF उसका नाम रखा गया था, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए जाएंगे तो राजस्थान का खेतड़ी और झुंझुनू, ये कुछ कुछ ये सब नाम पूछा गया इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है तो राजस्थान में, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और एक झुंझुनू, ये भी झुंझुनू ये भी राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा कि ये आपने सुना होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इस तरह का जो भी अन्वेषण का काम होता है, ये सब का जो देखने का काम होता है, अन्वेषण वाला काम, रिसर्च वाला, सर्वे का काम जो हो गया, ये सब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। और भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दोनों हेडक्वार्टर भी आप लोग जरूर बताइएगा, नहीं भी बताएंगे तो एटलीस्ट नोट करके जरूर रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि सर ने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट प्रश्न है, जो कि 39 प्रश्न ही इस सेट में पूछे गए थे, कि निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2019 में नहीं, इनको 2015 में सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में, अकेले नहीं, उस समय उनको किसके साथ, मदन मोहन मालवीय जी के साथ, लेकिन मरणोपरांत मिला था उनको, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, 2015 में दो लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में। और बाकी 2019 में श्री नानाजी देशमुख, श्री भूपेन हजारिका और श्री प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले जो 1954 में दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, सबसे पहला जो भारत रत्न है 1954 में दिया गया था। सबसे पहला पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनको सबसे पहला वाला दिया गया था 1954 में। एक्चुअली तीन लोग को दिया गया था, एक तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ये दूसरे हो गए, और तीसरे नंबर पर याद रखना है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेंकट रमन, वी रमन लिख देता हूँ। तो 1954 में इन तीनों को दिया गया था, पहला पूछेगा तो एस राधाकृष्णन जी को दिया गया था, आप सभी को याद रखना है। तो इस प्रकार आज हमने 19/12/2020 को जो 3 से 4:30 बजे वाला जो शिफ्ट था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने दिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, कॉमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो कम से कम उसको आप याद करके जरूर रखिएगा, नोट करके, क्योंकि वैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।